बाबा भोले हैं, आप जो भाले आप हैं। जो मांगिएगा सब दे देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट वीडियो हमारे दर्शकों के लिए है, क्योंकि मैं दर्शकों का डिमांड पर ही बाबा नाम से लाइव। ये बाबा नगरी में है और बाबा बैजनाथ धाम में काफ़ी यहाँ का मंदिर भव्य लगता है देखने में। बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत पावन स्थल है और बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर। देवघर में कुछ दो साल से कोरोना था, इसलिए वो नहीं आ पाती। श्रद्धा नहीं होगा तो बाबा मनोकामना है, जो मन में आप रखिए बाबा पूरा करेंगे। बाबा यहाँ से तो अब बासुकीनाथ निकलेंगे और बासुकीनाथ के बाद फिर राजगीर होते हुए। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बाबा धाम में, और जो कि मगध सम्राट संतोष रणु यादव जी, जो कि भोजपुरी सिंगर है, यहां पे मौजूद हैं, और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। आइए इनसे मिलने का प्रयास करता हूँ। सर, बाबा धाम में सबसे पहले आपको तबाही न्यूज भोजपुरी के साथ स्वागत है। जी, यहाँ भी आप तबाही मचाने के लिए आ गए, तो तबाही न्यूज के जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको मेरा यानी आपके संतोष रेणु यादव का कोटि कोटि प्रणाम। और सर, बाबा धाम में कैसे आना आपका हुआ? नहीं, एक्चुअली जमुई आए थे, तो फिर हुआ लोगों का प्लानिंग हुआ, खास करके इनका प्लानिंग हुआ कि ललू जी का प्लानिंग हुआ कि देवघर चला जाए। इधर पंकज बाबू हैं, इधर उमेश बाबू हैं, इधर ये भाई धाम पर भी आप सोचे कि घूम ले, जरूरी है, क्योंकि करते ही हैं आप, क्योंकि बैजूनाथ धाम की एक अलग लीला है। और देखिए, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरा में से चाहूँगा थोड़ा दिखाया जाए। देखिए, कांवरिया यहाँ भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, शायद तबाही न्यूज भोजपुरी पर इन्हें भी लाया जाए, ऑन स्क्रीन दिखाया जाए। कैसा आप लोग को यहाँ महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बाबा की कृपा से। तो आप लोग कब से आए हैं? आज सुबह में जल चढ़ाए हैं 11 बजे। देखिए, बाबा धाम के कंवरिया काफी बाबा धाम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में देखिए बाबा हैं जो कि काफी प्रसाद और टीका हम लोग भी दे रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ले ले। बाबा, बाबा धाम की नगरी कैसा है? बहुत अच्छा है, हर दुख उबार हो जाता है। हाँ, सब कुछ उबार सवार है। मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि थोड़ा दिखाया जाए, सभी को कैमरा से दिखाया जाए। और सर, ये बताइए आप संतोष रणु यादव जी कि ये बाबा धाम में आप क्या उम्मीद लेकर और क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इनमें क्या खास है? आज बिहार में तेजस्वी यादव की नई सरकार बनी है, तो हम बस यही कामना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी देने का घोषणा किया है और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है, घोषणा किया है, तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है युवाओं और बेरोजगारों के लिए काम करते रहें। देश में जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं जो आज रोजगार को लेकर के चिंतित हैं, देश में महंगाई है, वो महंगाई दूर हो और पूरा देश हमारा खुशहाल हो, शांति और बात। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुर से, मधुबनी जिला, बिहार, मधुबनी जिला। सारे बिहारी कंवरिया जो है ना कि बाबा के नगरी में यहाँ पे साथ में संतोष यादव जी मौजूद हैं, काफी देखिए कंवरिया झूम रहे हैं। मधुबनी जिला झंझारपुर के बम है बम। और बाबा के नगरी में आके कैसा कर चार जिला में चार धाम, चार जिला में चार धाम, एक जिला में बाबा धाम, लेकिन आज ये चीज देख भी लिए हम। नारा लगाओ, चार जिला में चार धाम, बोल बोल बोल। देखिए, सभी कंवरियों को मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा इन पे फोकस किया जाए, जो कि हम लोग बाबा धाम से लाइव है। थोड़ा कैमरा मैन से चाहूंगा कि बाबा धाम को हमारे दर्शक को दर्शन कराया जाए, जो कि बाबा धाम का मंदिर काफ़ी भव्य है और शानदार है। देखिए, कंवरियों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, और देखिए किस तरह से बाबा धाम में मतलब सभी लाइट बिजली बत्ती का सजावट किया गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सभी मंदिर को घूम कर दिखाया जाए। देखिए इधर, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, मैं चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी यहाँ पे भीड़ का माहौल है। और देखिए,
बाबा का नगरी को दिखाया जाए, थोड़ा सा सभी मंदिर को घुमाया जाए कैमरा के माध्यम से, तो और फिर मैं और बात करने का प्रयास करूंगा संतोष यादव जी से। तो मतलब कि यहाँ से आपका कहाँ निकलने का प्लान? यहाँ से तो अब बासुकीनाथ निकलेंगे और बासुकीनाथ के बाद फिर राजगीर होते हुए। कांवरिया यहाँ भी मौजूद है, कहाँ से हैं आप? पटना सिटी। पटना सिटी से। तो मतलब बाबा धाम आप कब आए हैं और क्या कर? हम लोग शुक्रवार को जल उठाए थे और आज कल सुबह चला है। बाबा के प्रति अभी 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 शॉपिंग वोपिंग करके अपना निकल रहे हैं। बाबा के प्रति श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है, तब तो चार दिन चल के आए भूखे प्यासे। बाबा प्रति श्रद्धा नहीं होगा तो बाबा मनोकामना है, जो मन में आप रखिए बाबा पूरा करेंगे। बाबा मनोकामना लिंग है, बाबा से बढ़कर बोला जाए प्रेम से अकबर बाबा। बाबा बैद्यनाथ राम ने लोग भक्ति में लीन है और देखिए सभी कंवरिया यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग मौजूद है बाबा धाम में। और बाबा धाम में अपने दर्शक से भी चाहूंगा कि थोड़ा इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा धाम का लाइव दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से हो। और देखिए हमारे साथ बाबा, देखिए कितना बुजुर्ग है लेकिन फिर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बाबा से बढ़ के दुनिया में हमारे लिए कि दुनिया के लिए बाबा से बढ़ के न होगा न होने वाला है। बाबा मनोकामना लिंग है, जो इंसान इस बाबा को पूजेगा सब मनोकामना पूरा करेंगे। बाबा आप कब से यहाँ आ रहे हैं? हम 300 साल से आ रहे हैं। 30 साल से आ रहे हैं? 30 साल से आ रहे हैं। हम पूरा पूरा परिवार गुलाम है, बेटी जमाद दोनों, बेटा दोनों, पुतोहू नात नातिन सब इनके शरण के दास हैं। कुछ सर बाबा का खासियत बताइए आप। बाबा भोले हैं, आप जो आप जो मांगिएगा सब दे देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, यही तो इनकी खासियत है। कि और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे श्रद्धालु लोग मौजूद हैं और सभी मंदिर का दर्शन कराया जाए हमारे दर्शकों को, थोड़ा सभी मंदिर को दिखा दिया जाए कैमरा के माध्यम से, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बाबा धाम के आंगन से और बाबा धाम के मैं प्रांगण में हूँ, मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सभी लोग, महिलाएँ भी मौजूद हैं और कुछ बोलना चाहेंगे। और देखिए हमारे साथ में मौजूद हैं एक बाबा धाम आए हैं, श्रद्धालु हैं। सबसे पहले हमारे तबाही न्यूज़ भोजपुरी में आपको स्वागत है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत पावन स्थल है और बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर देवघर में, क्योंकि 2 साल से कोरोना था इसलिए वो नहीं आ पाए। मगर अब इस बार आए हैं, हर बार बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? मधुबनी जिला से हैं। देखिए मधुबनी जिला से बिहारी कंवरिया ये भी हैं, हम भी बिहार से ही हैं और बाबा से मतलब कि जो मांगने पर मन्नत पूरी होती है लगभग, सुने तो पूरा तो होता ही है लगभग। हमारा पूरा फैमिली बाबा भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं और हमारा जनरेशन होगा अभी विश्वास करेंगे, इसलिए तो बाबा धाम प्रसिद्ध है। हमारे साथ सभी लोग दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ हर एक मधुबनी मिथिला पूरा मिथिलावासी यहाँ सभी लोग मौजूद है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सभी को दिखाया जाए, दर्शकों को और श्रद्धालुओं को दिखाया जाए। देखिए किस तरह से यहाँ पे कंवरियों का हुजूम है, अभी भी सावन खत्म होने के बाद भी बाबा के मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो देखिए सभी यहाँ पे कंवरिया मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पे संतोष रेणु यादव जी भी आए हुए हैं भक्त बनकर बाबा के आंगन में। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सभी दर्शकों को थोड़ा दिखाया जाए ताकि हमारे श्रद्धालु जितने भी हैं, देखिए यहाँ भी कंवरिया लोग हैं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद है हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हैं? मधेपुर से। मधेपुर से बाबा के नगरी में आए हैं, कुछ मांगे बाबा से आशीर्वाद? मांगे ना बाबा नगरी में कब से आप आ रहे हैं? कम से 2008 से आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए ये है हमारे साथ में सभी कंवरिया लोग, देखिए एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है। अब बताइए कि बाबा धाम में आए हैं, बाबा से कुछ मांगे? हाँ। क्या मांगे? मांगे जो वही की विद्या दे। विद्या मांगे बाबा। हाँ। चलिए देखिए बाबा से शिक्षा मांग रहे हैं, जो कि छोटे छोटे स्टूडेंट लाइफ के लोग भी हैं यहाँ पे जो कि मौजूद हैं। और मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि सभी इधर श्रद्धालुओं को देखिए, महिलाएं भी बहुत सारी आई हुई हैं जो कि बाबा में काफ़ी आस्था रखती हैं। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखाया जाए बाबा का उस दरबार को, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे चैनल को देखने वाले सभी का दर्शन बाबा धाम से लाइव हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और देखिए सभी लोग यहाँ पे देखिए सामान बेच रहे हैं यहाँ पे प्रांगण में और बाबा के दर्शन सभी लोग पा रहे हैं।
थोड़ा कैमरा मैन से चाहूँगा कि सभी मंदिर को दिखाया जाए, तवाही सभी मंदिर को दिखाया जाए बाबा के धाम पे। और जो कि तबाही न्यूज़ भोजपुरी लेकर पहुंच गया है बाबा के नगरी में आप सभी को, हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक काफ़ी दिन से हमारे दर्शक डिमांड कर रहे थे, हमारे दर्शक काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा धाम के दर्शन कराओ भाई तबाही भाई। तो मैं सोचा कि थोड़ा यहाँ दिखा दूँ, बाबा का दर्शन करा दूँ, बाबा धाम का दर्शन सभी दर्शकों को मैं करा दूँ। तो कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। आप बोलबम में आए हैं तो आप हमारे दर्शक सभी दर्शक बाबा धाम का दर्शन कर लें और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थोड़ा कैमरा से एक बार से गोले गोले दिखा दें, देखिए सभी दर्शकों को मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा के माध्यम से मैं बाबा धाम का सभी को दर्शन करा दूँ, जो कि बाबा नगरी काफ़ी पावन धरती है। और देखिए यही है, यहाँ पे श्रद्धालुओं का काफ़ी हुजूम उमड़ पड़ा है। देखिए ये बाबा नगरी में है और बाबा बैजनाथ धाम में काफ़ी यहाँ का मंदिर भव्य लगता है देखने में। तो मैं सभी दर्शकों को अपना चाहूँगा कि सभी मंदिर का दर्शन कर ले, जो कि बाबा धाम से लाइव है आपका तबाही भाई। तो दर्शक काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे हमारे कि बाबा नगरी का आप दर्शन कराओ मुझे। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? झंझारपुर मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी जिला से अधिकांश यहाँ पे बिहारी कंवरिया है मुझे मिल रहे हैं। तो बाबा में कितना आप आस्था और श्रद्धा रखते हैं? बाबा में श्रद्धा रखने वाले जो भी हैं वो हर मनोकामना पूरी होती है और बाबा स्वयं बुलाते हैं। 17-18 साल से हम लोग इस दरबार में कांवड़ लेके हर साल आते हैं और जब समय आता है तो जैसे बाबा स्वयं बुलाते हैं उसी तरह हम लोग स्वयं दरबार पहुंच जाते हैं। इधर काफ़ी दर्शक हैं और काफ़ी महिलाएं भी सेल्फी ले रही हैं और सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सभी को दिखा दिया जाए, दर्शन करा दिया जाए। तो चलिए कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट वीडियो हमारे दर्शकों के लिए है, क्योंकि मैं दर्शकों का डिमांड पर ही बाबा धाम से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।